Today we are going to continue with chapter 5, economics, poverty, right? Already we have done three parts, right? Till indicators we have done it. Now we are going to start with the fourth topic, that is causes of poverty. Poverty ke karan kya hai, right? So let's see one by one. To solve any problem, it is better to know its causes and then find the solution. Sahi baat hai? कोई भी प्रॉब्लम हो उसका पहले रीजन फाइंड करो, कॉज फाइंड करो, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। अगर उस कॉज पे काम करेंगे तो अपने आप सॉल्यूशन आएगा, बराबर। तो टू इराडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इट्स रीजंस। इन इंडिया द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी आर एज फॉलोस। फर्स्ट हिस्टोरिकल रीजन, राइट। अब हिस्ट्री क्या कहती है? हिस्टोरियन सेज दैट 17th सेंचुरी इंडिया वॉज कंपेरेटिवली more urbanized and most commercialized nation in business, India had major share in exports of cotton textile, and with that silk, spices, paddy was also exported. But after the entry of English, French and Dutch people, and due to their policy of colonial exploitation, India's agriculture and industrial situation deteriorated. आप लोग को सबको पता है इंडिया जो भारत है वो एक टाइम सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, राइट। तो ये ऐसे ऐसे हम उस देश के लोग हैं जहाँ दुनिया के सबसे अमीर लोग कंट्री में से हम एक आते थे, ऐसे ऐसे ऐसा देश था हमारा। लेकिन जब से ये हम लोगों ने जो गेस्ट लोग को, राइट, आने जो भी आए उनको हमने शरणागति दी, उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया, ये जो नेचर था इंडिया का वो नेचर ने हमको मारा है। और वो है कि जो भी आया हमारे शरण में, जो भी कोई सपोर्ट लेने, हेल्प लेने मांग के आया है, उसको हमने हेल्प किया। और इसमें घुसे ये ब्रिटिश लोग, फ्रेंच वाले और डच, राइट। घुसे थे तो इन लोग बिजनेस करने के नाते, लेकिन बिजनेस के नाम पे उन्होंने कॉलोनी बनाना शुरू किया और फिर उसके बाद कॉलोनियल रूल चालू कर दिया। एंड दिस वे दे एक्सप्लॉइटेड इन इंडिया, दे एक्सप्लॉइटेड आवर इंडिया इन सच अ वे दैट वी बिकेम रूल, राइट। ऐसी हालत कर दी, ओके। तो 17th सेंचुरी में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, टुडे आवर वी आर इनटू द वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज व्हिच इज फाइटिंग फॉर द रिमूवल मेनी प्रॉब्लम्स, राइट, इन द इकोनॉमी। Okay, the French and Dutch people, and due to the policy of colonial exploitation, the agriculture and industrial situation deteriorated. During the British rule, the agriculture sector suffered in India due to many reasons. On one hand, Indian agriculture was based on monsoon, while Britishers did not show any interest in investing and money in irrigation projects. On the other hand, due to the repeated drought, zamindari system and tenancy system, the farmers' economic conditions deteriorated and they were under the pressure of debt and interest of loan given to them by zamindars, moneylenders and big businessmen. Cultivators started losing land, the farmers and agriculture suffered, and so poverty increased. Yes, kai picturon mein bhi aapne dekhi hogi, right? Ye jo hai, एक तो उस वक्त जो सूखा पड़ता था, फैमिन और ड्राउट, ये एक इफेक्ट करता था क्योंकि हम लोग नेचर पे डिपेंड करते थे, मानसून रेन पे डिपेंड करते थे। और ये ब्रिटिश लोगों को कैसा था कि जितना आया उतना ले जाओ, उनको तो मुफ्त में चाहिए था, मुफ्त के भाव में ले जाते थे और इस तरह हमको डिट्रियर, हमको रून करते थे। अच्छा, फिर दूसरी बात रहे, अब जब गरीब रहा बेचारा किसान, तो किसान क्या करता है, जमींदार लोगों से उधार लेने लगा। अब जमींदारी की उदाहरण तो आपको पता है, अंगूठा लगा लेने का और जिंदगी भर उनके गुलाम बन के रहने। तो इस तरह हर बाजू से हमारे साथ जुल्म हुआ और हमारा देश आगे बढ़ने से नाकाम, बढ़ने में नाकाम हुआ। दिस इज द थिंग, एंड दिस वे द हिस्टोरिकल रीजन से दैट आवर नेशन, राइट, वॉज पुट इन टू और डिट्रियोटेड, आवर सिचुएशन गॉट डिट्रियोटेड इज ऑल because of these reasons, right? Let us see. In case of business and trade, Britishers followed the kind of trade policy, tax policy and industrial policy which would benefit them by trading in India. Britishers logon ne aise hi policy rakhe hain
वो भले ट्रेड पॉलिसी हो या टैक्स पॉलिसी, जो उनके कंट्री को फायदा होगा। क्योंकि देखो इनको कैसा है कि जैसे अभी यहाँ से इनको ब्रिटिश जब भेजना है तो उस पर टैक्स उनका कम कर देते थे, लेकिन वहाँ से ब्रिटिश से जो माल आता था जो हम खरीदते थे उस पर टैक्स लग जाता। तो ये जो चीज़ें जो है बहुत इनको उनको जो फायदा होता था वो वैसी पॉलिसी बनाते थे। एंड दिस इज द रीजन वी वेर गेटिंग डाउन राइट नाउ ट्रेडिंग। इंडियन एक्सपोर्ट्स वेर प्रोहिबिटेड इन यूरोप, whereas goods produced in England were given a lot of tax concession and freedom to sell in Indian market. Moreover, to supply these goods to each and every corner of India, Indian railway was extensively used. Right? India, हम लोग हमेशा शुक्रगुजार करते हैं इंडिया ब्रिटिश को कि हमको उन्होंने ट्रेड ये रेलवेज दिया, लेकिन रेलवेज they made it or the railway track were laid down, railways were started only for their business purposes, right? वो रह गया, वो क्योंकि उसको साथ में लेके नहीं जा सकते हैं तो वो छोड़ के गए। Because of this kind of policy, Britishers gained surplus from production and sale in India, which they invested in Britain to speed up industrialization and used Indian market to sell final goods produced in Britain. In this system, Indian trade and business started losing their competitive power and production power. Small and cottage industries of India were ruined. As a result, unemployment and poverty started increasing. एक छोटा सा छोटी सी रीजन बता देता हूँ। हमारे वहाँ जो कॉटन उगता था हाँ, तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत होता था राइट, कॉटन क्रॉप का, तो यहाँ हमारे फार्मर से ब्रिटिशर लोग सस्ते में लेते थे और अपने ब्रिटेन में देते थे। वहाँ वो शर्ट या कपड़ा बन के आता था, वो कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा भाव में बेचा जाता था। दिस इज द थिंग। यहाँ तो फिर वो इतना दाम कम कर देते थे कि जो यहाँ के जो कपड़े का जो मार्केट है वो डाउन हो जाता था। दिस वे वी वेर ड्यूड, हमारा जो बिजनेस था, हमारा जो ऑक्यूपेशन था, हमारा जो ये ट्रेड था, सब कुछ इन्होंने खत्म कर दिया, डिट्रियोट कर दिया, या तो उनका लेवल कम करवा दिया और ये इस तरह पॉवर्टी हमारे वहाँ अंदर घुसती चली गई। ओके, कॉसेस ऑफ रूरल पॉवर्टी, अब ये था हिस्ट्री वाला, अब कॉसेस ऑफ रूरल पॉवर्टी देखते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉसेस, जो कोई रोक नहीं सकता, बरोबर, फैमिन है, ड्रॉट है, ये है, ज़्यादा बारिश, फ्लड आ गया, ये किसी को कोई रोक नहीं सकता। तो एक तो देख बारिश ना होने का भी प्रॉब्लम है, बारिश होता है तो ज़्यादा होने का भी प्रॉब्लम है, तो दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम। द फर्स्ट इज नेचुरल कॉसेस। इंडिया हैज़ बीन एन एग्रीकल्चर कंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टुडे ऑल्सो अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इन इंडिया प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, वेदर कंडीशन एक्सेट्रा, रिपीटेड ड्रॉट, अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून एंड फ्लड्स results in low production and less and uncertain income of the agriculturist. Hence, poverty is more, poverty badh gaya. Demographic factors. After independence and during planning period in India, due to economic development and rapid improvement in health services, on the one hand, the death rate declined fast, but at the same time, the birth rate did not reduce. Birth rate badhte chala gaya, aur hamara jo hai death rate kam ho gaya, kyunki health services achhi ho gayi, barabar development ke naam pe. तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ वॉस रेट वॉस नोटिस, हाई इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिड नॉट अलाउ पर कैपिटा इनकम टू इंक्रीज लो पर कैपिटा इनकम एंड बिग साइज ऑफ फैमिलीज रिजल्टेड इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। देयर वॉज रैपिड इंक्रीज इन लेबर सप्लाई बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन बट लो पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन वेज रेट। देखो एक बार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे डिक्रीज होता था, क्योंकि जहाँ चार लोग रहते थे आज 12-15 जन हो गए, इनकम वही है लेकिन नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हो गए, दैट इज पॉपुलेशन रेट। तो ये इसके वजह से क्या होता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज हो गया, ऐसे ही हो गया। दूसरी बात है उनके सप्लाई पे अनएम्प्लॉयमेंट, अब लेबर सप्लाई जो बोलते हैं, अब देखो जहाँ जिस खेत में 200 लोग काम करते हैं वही खेत में और 100 लोग आके, तो अब क्या हो जाएगा, 300 हो गए, जगह तो उतना ही है, जो 200 लोगों का काम है वो 300 लोग करेंगे, तो देखो एक वेज रेट आपका कम हो गया, आपको जो 10 रुपया मिल रहा था अब आपको 6 रुपये में काम करना पड़ेगा, बिकॉज पीपल आर अवेलेबल टू डू दैट, दिस इज द थिंग।
So the poverty was there, right? Next, economic factors. Now, low agricultural productivity per labor. One of the important reasons of high poverty in rural India is low agricultural productivity per labor because of poor irrigation facilities, insufficient technology, lack of education and training, low rate of investment, heavy load of population result in low agricultural productivity. So income of farmers remain low and poverty keeps on increasing. Understood? The income of our farmers remain low and poverty बढ़ते गया, right? तो अब ये क्या क्या है? ये सारे reasons आपको पढ़ने का. Lack of technology है, lack of education है, training है. ये सारा चीज जो है one of the reason for becoming poverty, more poverty, unequal distribution of land and property. Yes, ये सबसे बड़ा problem है इंडिया में, right? जमींदार के पास बहुत सारा land होगा और जो बेचारा किसान है उसके पास एक जमीन का टुकड़ा नहीं होगा. तो दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया बिकॉज ऑफ सिस्टम लाइक जमींदारी. लैंड ओनरशिप वॉज विद द हैंड फुल ऑफ जमींदार्स. दिस क्लास वॉज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद लैंड कल्टीवेशन एंड हैड नो इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ऑन द अदर हैंड द टेनेंट्स वर वर्किंग ऑन द अदर हैंड एंड वर नॉट द ओनर्स सो दैट they had no interest in the investment, right? अब वो खाली जो tenants थे बराबर जो बेचारे भाड़ पे काम कर रहे थे जो plowing कर रहे थे उनको interest नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि खाली मजदूरी मिलने वाली है. तो development में interest नहीं था और जमींदार को agriculture में interest नहीं था. तो these are the reasons why it got ruined. तो due to low agriculture production and productivity, poverty increased day by day. Okay. Now, minimal development of small and cottage industry. In India, the second five-year plan onwards, a strategy for economic development, heavy and basic industries were given importance. Right? Ye aapko yaad hoga. So, but in rural areas, small and cottage industries which have great contribution in employment, production and income were neglected. Ab dekho, heavy industries ko aapko pata hai, 1947 ke baad, Jawaharlal Nehru jab Prime Minister the, to second five-year planning mein जो लार्ज इंडस्ट्रीज थे वो गवर्नमेंट ने ले लिया था. उन्होंने इसलिए लिया था कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकें. लेकिन क्या हो गया, ये हैवी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की वजह से जो गांव के जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो इग्नोर होने लगे हैं, राइट? तो मोर ओवर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज एक्सेट्रा वर ग्रोइंग स्लोली एंड दिस इंक्रीज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. एज अ रिजल्ट पॉवर्टी रिमेंड हाई. Third है rapid increase in prices. Price rise seriously affects poverty because of war, drought, loss, low national production, rapid increase in demand, increase in production cost, price of goods and services as well as edible goods rise rapidly. अब price बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, demand कम होते जाएगा. This reduces purchasing power of low income group. It reduces standard of living. It increases poverty. On the other hand, increasing prices benefit businessmen, traders and big farmers. This increases unequal distribution of income in the society. Next is high rate of unemployment. In India, major part of the rural unemployment, in India, the major part of rural India is dependent on agriculture. But agriculture in India, major part of rural India is dependent on agriculture, but agriculture is dependent on monsoon. Hence, only one crop is year is cultivated. Moreover, so there exists seasonal unemployment. आपको मालूम है one crop का मतलब 6 महीने बैठे रहने का. तो ये unemployment हुआ. This is called seasonal unemployment. High increase in population and joint family system also increases the burden on agriculture and results in disguised unemployment. जो बंदे दो जन काम करना है तो एक और एक भाई ऐड हो गया, तीन जन वही जमीन पे काम करेंगे. दिस इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि दो भाई अच्छी तरह काम कर ही रहे थे, प्रोडक्शन उतना ही था. तीन आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि जमीन का टुकड़ा उतना ही है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अलाइड इंडस्ट्रीज आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लिटरेसी, इलिटरेसी, लो मोबिलिटी ऑफ लेबर, high rate of unemployment and poverty. Social reasons, low level of education, right? One of the major reasons of poverty in India is scarcity of education, training and skills. Low level of education, especially in rural area, prevents them from gaining
फ्रॉम द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज इन एग्रीकल्चर. जिसके पास नॉलेज कम होगा वो टेक्नोलॉजीज नहीं कर सकते. तो ये जो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था जो रूरल एरिया में लैक कर रहा था. तो न्यू एग्रीकल्चर सिस्टम रिसर्च एंड बेनिफिट ऑफ मार्केट फॉर सेल ऑफ द प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट बोथ पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी एंड पर लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर रिमेन्स लो. दिस इज द रीजन लो इनकम ऑफ फार्मर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस बिकॉज ऑफ लो इनकम ऑफ लो लेवल ऑफ एजुकेशन दे गेट लेस अपॉर्चुनिटीज इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट. Wage level remains low and the poverty keeps on increasing. Gender inequality, अब ये देखें, right? सबसे बड़ा major problem ये है, male female देखते थे. India has a gender inequality from the beginning. Society cares less about health of females. As a result, women face higher level of malnourishment, low weight and weakness. This causes high maternal mortality during childbirth and health problems among newborn children. अब देखो हम लोग हमेशा ये देखते हैं, हमको तो सिर्फ बच्चा जो बॉर्न होता है उनके प्रति हो होता है कि वो कैसा है, तंदुरुस्त है कि नहीं, वो अच्छा है कि नहीं बसे, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि वो बच्चा जो है माँ के पेट में से आता है. तो मम्मी को अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो ही बच्चे को मिलेगा. वो अभी वो जो सोच है हमारी बहुत लैकिंग कर रही है. दिस इज द थिंग. तो वी ऑलवेज कंसिडर फीमेल एज दी secondary thing, right? This is the problem. Our thought, our जो thinking है वो change करना जरूरी है. फिर इसके वजह से हमारा ये जो है infant mortality rate, ये जो है हमारा high है. हमने देखा था ना table में infant mortality rate high रहने का कारण, this is the thing, right? So what workload allocation is such that it is believed that as compulsory for woman to work at home, right? Woman मतलब home काम करना है, घर पे काम, घर का काम करना है, resulting in low level of education and less economic opportunities to work. Apart from this, at workplace, females are paid less than males. Out of their total population, less than half are women. Among them, low health level and less opportunities to work in economic field keeps family income low and this increases the level of poverty. ये major reason है जो poverty को increase करता है. जब gender equality आ जाएगा बहुत फर्क पड़ने में chances है, और शायद तो आ ही गया है, राइट. नेक्स्ट इज अदर रीजंस. द अदर रीजंस में अगर आप देखो तो वॉर. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉट टू वॉर्स विद नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान एंड चाइना. ड्यूरिंग द वॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर स्पेंट ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड आर्म्स एंड एम्यूनिशन. सही बात है, वॉर जब होता है तो जो चीज़ें जो पब्लिक के डेवलपमेंट में होते हैं वो सारा चीज़ आर्म्स एंड एम्यूनिशन में चला जाता है. तो दिस रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज. ड्यूरिंग द वॉर to avoid scarcity of certain goods in future, people store food, grains, clothes, fuel, etc. अब क्या हो जाता है वॉर में, लोग चीज़ों की संग्रह करने लग जाते हैं. तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो रिजर्व्स यस प्राइसेस इंक्रीज रैपिडली. बिकॉज ऑफ वॉर द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लोस डाउन ड्यू टू द सेवरल वॉर्स इन इंडिया. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेन्स स्लो एंड प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज टेक्स प्लेस. हेंस poverty increases. Okay, next is increasing defense expenditure. ये सबसे बड़ा, अभी एक एग्जाम्पल ले लो, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल कोरोना का माहौल चल रहा है, लेकिन एक बाजू देखो चाइना और इंडिया का वॉर का चांसेस था. तो हमारे डिफेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर जी को एक डिसीजन लेना पड़ा, हम लोगों ने वो राइफल मंगाया, बरोबर. अब वो हमारे लिए अभी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, बिकॉज वी आर स्टिल ऑन द डेवलपिंग वर्च, बरोबर. अभी डेवलप नहीं हुए हैं, हमारे पास इतना सरप्लस मनी नहीं है, लेकिन एक बाजू डिफेंस का प्रॉब्लम है, एक बाजू लाइफ का प्रॉब्लम है, दोनों का हमको बैलेंस करना पड़ता है. तो ये हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है. तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो आता है वो हमको और थोड़ा पॉवर्टी की तरफ धकेल देता है, राइट. तो इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. Several wars made the issue of security very serious. To make the security system stronger, expenses on modern missiles, fighter planes, tanks and submarines have increased rapidly. In the present era, the fight against the terrorism, a lot of special facilities have increased expenditure on defense. The expenditure on security is non-development in nature, and any increase in such expenditure reduces expenditure on economic development. Economic development slows down and level of poverty increases, right? This is the problem. So, next is defective policies. ये तो हो गया expenditure. अब defective policies क्या क्या है? बराबर
For rapid economic development in India, second 5-year plan onwards, basic and heavy industry were given priority, and through rapid industrialization, high economic growth was to be achieved, and thus policy of removal of poverty and unemployment was adopted. But this policy neglected the vast population dependent on agriculture. देखा तो एक चीज वही होता है कि हम एक पॉलिसी बनाते हैं तो जो जो नॉर्मल में जो ट्रेडिशन में है जो ऑलरेडी रनिंग में है उसको इग्नोर कर देते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज का पॉलिसी बनाया सेकंड 5-year प्लान में, लेकिन जो एग्रीकल्चर जा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया. कॉटेज इंडस्ट्रीज है उस पर थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता चले. तो इसमें क्या हुआ, वो वाला जो पेस है वो स्लो हो गया, ये भले इंक्रीज हुआ, अल्टीमेटली फिर से हम लोग वापस जहाँ थे वहाँ आ गए. राइट, तो डेवलप स्लोली एंड सो वॉज द इनकम ऑफ द पुअर पीपल. अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द रूरल पावर. सबसे ये हमारा इंडिया में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है. अगर सपोज कांग्रेस कुछ लेके आता है, बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आता है और उसके बाद अच्छा चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और फिर आया भाजपा, तो ये जो पॉलिसी चल रही है या जो प्लान चल रहा है चाहे प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम को इवेल्यूएशन भी नहीं किया जाएगा और ऐसे स्टॉप किया जाएगा. और ये जो स्टॉप कर देते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है. इसके पीछे जो खर्चा था ये सब वैसे वैसे स्टॉप हो जाएगा. दिस इज द मेजर माइनस पॉइंट. इनको ये नहीं समझ पड़ता है कि हमारा देश फिर से पीछे आ गया. इनको सिर्फ पॉलिटिकल से मतलब है, पॉलिटिक्स से मतलब है. राइट, तो ये जो है चेंजिंग ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट का, ये हमारे लिए बहुत माइनस पॉइंट है. तो दे लैक कंटिन्यूटी एंड कोऑर्डिनेशन. एज अ रिजल्ट द टारगेटेड पॉवर्टी रिडक्शन कुड नॉट बी अचीव्ड थ्रू दीस स्कीम्स. ओके, सो आई होप we have completed the reasons, the causes for poverty, right? तो ये इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, very important question, right? फोर 5 marks का है, right? तो अगर आपको पूछा जाए तो introduction, meaning उसके साथ लिखना है आपको, और फिर उसके बाद इसका एक एक paragraph wise आपको define करना है. Social reasons कौन से हैं, other reasons क्या है, इस तरह topics पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, 2-3 बार सुनिए ये वीडियो को, सो देट आपको क्लियर हो जाएगा. एक एक जो एग्जांपल बोल रहा हूँ उस एग्जांपल को रिलेट कीजिए, सो देट आप आराम से लिख सकते हैं. ओके, फॉर टाइम बी बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर द डे.